आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त हमारा सबसे बड़ा क्राइसिस क्या है? कुछ लोगों के नजदीक वो करप्शन है, करप्शन नहीं है। कुछ लोग कहते हैं पोल्यूशन, पोल्यूशन भी नहीं है। एजुकेशन, एजुकेशन भी नहीं है। ये सब बहुत बड़े इश्यूज हैं हमारे लिए, लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे सबसे बड़ा इश्यू क्या है। लेकिन मेरे ये बताने से पहले मैं आपसे एक प्रॉमिस चाहता हूं कि आप सब लोगों को बताएंगे इस क्राइसिस के बारे में, इस प्रॉब्लम के बारे में जो इस वक्त मैं आपसे शेयर करने लगा हूं। ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है, ये लाइफ एंड डेथ का मसला है कि जो मैं आपको बताने लगा हूं। इस वक्त हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये दो है। ये दो क्या है? ये दो है स्टीरॉइड्स। दो स्टीरॉइड्स के टीके हैं जो इस वक्त धड़ाधड़ पूरे मुल्क के बिलखसूस रूरल एरिया में लोगों को लगाए जा रहे हैं। आप डॉक्टर के पास जाए पेट के दर्द के लिए, वो उठाएगा और आपको ये स्टीरॉइड्स लगा देगा। आप जाए हॉस्पिटल में किसी भी जगह छोटे क्लिनिक में, उनको कहेंगे कि मुझे फ्लू हुआ है, सर में दर्द हुआ है, हर मसले का इस वक्त एक ही इलाज चल रहा है और वो ये है कि ये इंजेक्शन जो है इनको इंजेक्शन में डाला जाता है और ये इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं। एक का नाम है ऑक्सीटोसिन और दूसरा जो है ये छोटा सा, इसका नाम है डेक्सामेथासोन। ये दोनों जहर हैं, पूरी दुनिया में बैन हो चुके हैं। ये इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई खतरनाक है। होता क्या है, आप ये दो इंजेक्शन या इनमें से कोई एक इंजेक्शन डॉक्टर फौरन आपको लगाता है, आपके सर का दर्द, पेट का दर्द, जिस्म का दर्द, जोड़ों का दर्द और इवन नजला जुकाम उसी वक्त ब्लॉक हो जाते हैं। उसी वक्त आप कहते हैं जी ये तो डॉक्टर बहुत अच्छा है, कितना जबरदस्त इसने इलाज किया, मुझे फौरी आराम आ गया, फौरी आराम आ गया। और फिर क्या होता है, तीन चार दिन के अंदर अंदर आपकी बॉडी जो है वो इसके रिएक्शन से मुतासिर होना शुरू हो जाती है, स्टीरॉइड से, इस जहर के पॉइजन से, इस जहर के असर से आपका लिवर मुतासिर होना शुरू होता है, पेट मुतासिर होना शुरू होता है, जहन मुतासिर होना शुरू होता है। मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स नए सिरे से बिल्कुल फ्रेश लोगों की बॉडी के अंदर जन्म लेना शुरू करते हैं। किसी को परमानेंटली नर्वस डैमेज हो जाता है, किसी को परमानेंटली ब्लड प्रेशर हो जाता है, इवन शुगर जैसा मर्ज जो है इन दो स्टीराइड टीकों की वजह से हो रहा है जो इस वक्त हम धड़ाधड़ लगा रहे हैं। हेपेटाइटिस हो जाता है, कुछ लोग तो विद इन अ वीक इतने बड़े प्रॉब्लम में आ जाते हैं इसकी वजह से कि उनको लगता है कि बस वो मरने वाले हैं, सांस रुक रहा है लोगों का और कोई रिलेट नहीं करता कि ये सारे प्रॉब्लम जो उनको ये टीके लगाने की वजह से एक हफ्ता, दो हफ्ता, इवन एक दो मंथ के बाद हो रहे हैं, वो सारा का सारा रिलेटेड टू दीज टू स्टीरॉइड्स के टीके हैं जो इस वक्त धड़ाधड़ लग रहे हैं। ये बिलखसूस टीका ऑक्सीटोसिन जानवरों के लिए बना था, जानवरों के लिए, और अब ये जानवरों को भी नहीं लगता, ये पूरी दुनिया में बैन है। लेकिन मैंने खुद चेक किया है, इस वक्त ये टीका पाकिस्तान के हर बड़े शहर की हर बड़ी फार्मेसी में मौजूद है। मैंने कराची में चेक किया तो गुलशन इकबाल में रब मेडिकल पे ये टीका जो कि भैंसों के लिए है मौजूद था। अब कोई मुझे ये बताए कि गुलशन इकबाल में रब मेडिकल पे ये टीका क्या कर रहा था। इसी तरह लाहौर के गुंजान तरीन इलाकों में जहां पे पास कोई जानवर नहीं, कोई बाड़ा नहीं, वहां पे भी ये टीका मौजूद है। इसी तरह सियालकोट में मौजूद है, फैसलाबाद में मौजूद है और धड़ाधड़ लग रहा है, धड़ाधड़। इस्लामाबाद में मौजूद है, रावलपिंडी में मौजूद है, पिशावर, मर्दान, हर जगह ये टीका मौजूद है। आप नजला जुकाम के लिए जाते हैं, डॉक्टर इसमें से निकालता है और आपके जिस्म में लगा देता है, उसी वक्त आपको आराम आता है। आप समझते हैं कि वाह जी वाह, ये तो मजा ही आ गया, फौरन आराम आ गया है, लेकिन वो आराम नहीं होता। आपकी बॉडी सुन हो जाती है, बिल्कुल सुन हो जाती है और उस सुन होने के बाद ये जहर आपके जिस्म में फैलता है। फैलते फैलते ये आपके लिवर में जाता है,
आपको हार्ट अटैक होता है। मैंने देखे हैं पेशेंट्स, लोग जो बिल्कुल हेल्थी हार्ट के साथ गए थे, चंद एक दफा उन्होंने ये स्टीराइड के टीके लगवाए हैं जल्दी आराम के चक्कर में, और इस वक्त उनका हार्ट जवाब दे चुका है, जोड़ों के दर्द हो चुके हैं। तो प्लीज अपने हाल पे रहम करें, अपनी फैमिली के हाल पे रहम करें। जो इस वक्त मैंने मैसेज दिया है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और छोटे छोटे अमराज के लिए खुदारा इन टेकों से परहेज करें। ये इंजेक्शंस हमको एज ए नेशन खत्म कर रहे हैं, पूरी कौम का नर्वस सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, ब्रेन के सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम इन स्टीराइड के टीकों की वजह से खत्म हो रहे हैं। फ्लू, नजला, जुकाम, पेट दर्द, ये सारी चीजें अपने वक्त से जाती हैं, ये टाइम लेती हैं, इनको टाइम से खत्म होना होता है। इनका क्विक जल्दबाजी का इलाज मत करें, ये टीके मत लगाएं, ना ही डॉक्टरों को लगाने दें। आप इसके खिलाफ मुहिम शुरू करें। ठीक है हमारे मुल्क में करप्शन है, ठीक है हमारे मुल्क में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से लोग रोजाना नहीं मर रहे। इस वक्त तो लोग मर रहे हैं रोज इन टीकों की वजह से, जो जानवरों पे लगते थे और अब पूरी दुनिया में जानवरों पे भी लगने बैन है, लेकिन हमारे शहरों में लोगों को लगा लगा के उनको सस्ते और फौरी फौरी इलाज के चक्कर में मारा जा रहा है। प्लीज ये मैसेज आगे शेयर करें और लोगों की जानें बचाएं। शुक्रिया।